क्या सच में केरला से 32,000 हिंदू लड़कियां गायब हुई हैं? द केरला स्टोरी में ऐसा क्या है जिसके बारे में जानकर पूरा देश हिल गया है? केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कहानी जिन्हें पहले धोखे से इस्लाम कबूल कराया गया, फिर ISI आतंकी बनाकर उन्हें यमन और अफगानिस्तान भेज दिया गया। लेकिन सबसे भयानक वो दावा है जिसमें कहा गया कि केरल से 32,000 लड़कियों को गायब कर दिया गया। केरला से हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या है द केरला स्टोरी और क्या सच में 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं और ये लड़कियां कहां हैं? पूरी कहानी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से 5 महीने पहले जब द केरला स्टोरी का टीजर आया था, उसी दौरान केरल और पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी थी। बीजेपी विरोधी पार्टियों का कहना था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की कोई चाल है, लेकिन यकीन मानिए इस फिल्म की सच्चाई जानकर आप अंदर से हिल जाएंगे। द केरला स्टोरी में बताया गया है कि कैसे भोली भाली लड़कियों को पहले बरगलाया जाता है, इसके बाद लव जिहाद में फंसाया जाता है और ISI ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान और यमन ले जाया जाता है। 1 साल पहले जब द कश्मीर फाइल आई थी, उस दौरान भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को जिंदा कर दिया था। अब द केरला फाइल की कहानी सुनकर पूरा देश अंदर से सुलग रहा है, लेकिन इस फिल्म का सच और झूठ चलिए आपको बताते हैं। इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है, ठीक ऐसी कहानी 2021 में अखबारों की सुर्खियां बनी थी। केरल की 4 लड़कियां धर्म परिवर्तन के बाद अपने ISI आतंकी पतियों के साथ अफगानिस्तान के नंगरहार चली गई थी। बाद में इन चारों ने अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना के आगे सरेंडर कर दिया था। ये सभी लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन थी जिन्हें फंसा कर शिकार बनाया गया था। इसी तरह से 2017 में NIA ने अपनी एक चार्जशीट में बताया था कि 21 लोगों का ग्रुप ISI में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गया था, जिसमें से एक फातिमा नाम की लड़की थी जिसका असली नाम निमिषा था। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद केरला की स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच ने 2016 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि 2011 से 2015 के बीच सिर्फ 4 साल में 5,975 लोगों का धर्म बदला गया था। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें दावा किया गया है कि केरला में PFI सहित कई संगठन लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ काम ही इतना है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को बहला फुसला कर इनको पहले मुस्लिम बनाओ, इसके बाद आतंकी बनाकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे के एक स्टिंग ऑपरेशन में PFI के फाउंडिंग मेंबर ने दावा किया था कि केरला को इस्लामिक स्टेट बनाना है। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि केरला से 32,000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी के असेंबली में बताए गए आंकड़ों से लिया गया है। 1 साल पहले 2022 में आई द कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाया गया था। केरला स्टोरी में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म बदलकर उन्हें आतंकी बनाने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कहानी बताई गई है। द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वैसे बीजेपी विरोधी पार्टियों का आरोप है कि केरल चुनाव जीतने के लिए केरला फाइल को रिलीज किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम वोट करके बीजेपी केरला में सरकार बना ले। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस फिल्म का कोई राजनीति से वास्ता है? इस पूरे विवाद की कहानी और फिल्म में जो दिखाया गया है सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या फिल्म को बैन कर देना चाहिए या फिर केरला में जो हुआ और जो हो रहा है उसका सच पूरे देश के सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।